तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हमने बनाया है M32 ग्रेनेड लॉन्चर। तो गाइस, इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं ये टॉय गन मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो गाइस, ये गन का मेन मैकेनिज्म है। आपको ये चीज़ ध्यान से देखना है जो ये किस तरीके से बना है। तो गाइस, हम कार्डबोर्ड का कुछ इस तरीके का टुकड़ा लेंगे, इसे हम सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। और गाइस, उसके बाद हम लेंगे पेपर, कार्डबोर्ड पेपर, इसे हम कुछ इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो गाइस, हमने रोल कर लिया है और इसको इधर सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। तो गाइस, हमने चिपका लिया है। उसके बाद फिर से हम एक कार्डबोर्ड का पेपर लेंगे और इसी स्टिक के साथ हम चिपका लेंगे। तो गाइस, इधर हम एक कट लगाएंगे ताकि इधर रबर बैंड अच्छे तरीके से फंस सके। तो गाइस, देखते हैं कैसे इधर कट लगाना है। तो गाइस, हमने कट लगा लिया है कुछ इस तरीके का। तो गाइस, इधर हम रबर बैंड को फंसाएंगे। तो गाइस, हमने इधर रबर बैंड को फंसा लिया है और इसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए इधर सुपर ग्लू से हम इसको हैवी कर लिया है। तो गाइस देखिए, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। गाइस, इधर एक और कट लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके का। तो गाइस, इधर हम रबर बैंड को फंसाएंगे और इधर ये स्टिक को इधर फिट कर लेंगे। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, हमें एक बड़ा रोल बनाना है कुछ इस तरीके से। और गाइस, इसको हम इधर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। तो गाइस, इसे हमें बढ़िया से चिपकाना है, अगर ये अच्छे से नहीं चिपकेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो गाइस, इससे इस तरीके का हम कुछ 6 पीस हमने बना लिया है। सभी सेम टेक्निक का है गाइस, सबको एक ही टेक्निक का बनाना है, अलग नहीं बनाना है वरना वर्क नहीं करेगा ये। और गाइस, ये मोटा सा ये एक रोल लेना है। और गाइस, इसे ये जो 6 रोल हमने बनाया है इसको सारे को चिपका देना है, राउंड करके चिपका देना है। तो गाइस, इसे बहुत ही मजबूत से चिपकाना है। आप इधर सुपर ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या
ग्लू स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये मॉडल हो गया है बनके हमारा तैयार। तो गाइस इसे हाथ से नहीं घुमाना है, इसके लिए हमें मोटर भी सेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सेट करते हैं। ये है गियर मोटर, तो इसको इधर हम सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस देखते हैं कैसे बनता है ये मॉडल। तो गाइस इसको कुछ इस तरीके से इधर फिट कर देंगे। तो गाइस अब हम लगाएंगे इधर हैंडल, जो हाथ का ग्रिप होता है वो पकड़ने वाला, वो हम इधर फिट करेंगे। तो गाइस हम दोनों साइड ये फिट कर लेंगे। और गाइस ये है स्विच, ये सिंगल स्विच है, इसे दबाएंगे तो यूज़ होगा और छोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो गाइस ये है हमारा बैटरी 3.7 वोल्ट का। आप इसमें और भी हाई पावर का बैटरी यूज़ कर सकते हैं, आपका मोटर का हिसाब से आप बैटरी यूज़ कीजिए। और गाइस इसका हम कवर कर देंगे। तो गाइस ये सामने का बैरल का जो हिस्सा होता है वो इसका पार्ट है। तो गाइस देख लीजिए इसको मैंने कैसे बनाया है। और गाइस ये है पीछे वाला ग्रिप, इसको हम इधर सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। और गाइस ये है ट्रिगर, इसको हम इधर फिट कर देंगे। ये जो है इसको दबाने से ये स्विच ऑन हो जाएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये गन का स्विच यानी ट्रिगर वर्क करेगा। देखिए गाइस ये इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस इधर हमें एक कार्डबोर्ड का स्टिक फिट कर लिया है, और गाइस इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड का स्टिक लगेगा, जो कि इससे अंदर मतलब उतना टाइट नहीं होना चाहिए, ये लूज ही होगा, ताकि आप इसे फिर से निकाल सकें। तो गाइस इसे हम सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। और गाइस ये इधर से कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, और इधर आप एमओ डाल सकते हैं, उसके बाद फिर से उसे लगा सकते हैं। तो गाइस ये जो हमने छोटा कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा उधर फिट किया है, तो ये जो मोटर घूमेगा उसके बाद ये सब रिमूव करेगा और गन को फायर करेगा। तो गाइस ये इधर इसको ढक दिया है ताकि इसे देखने में अच्छा लगेगा। और गाइस इधर हम लगाएंगे एक लॉक, तो चलिए देखते हैं ये लॉक कैसे फिट होता है। तो गाइस ये लॉक हमारा हो गया है तैयार, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है गाइस। तो
तो गाइस इसको हम पूरा कार्डबोर्ड का पेपर से इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो गाइस ये है सामने वाला हैंडल ग्रिप, तो इसको हम इधर लगा लेंगे। तो गाइस ये जो इधर जॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम ढक देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और गाइस ये जो रेड डॉट है ये इसका ऊपर हम फिट कर लेंगे। तो गाइस ये है इस टॉय गन का एमओ। तो गाइस ये पेपर से बनाया गया है, इसे सुपर ग्लू से चिपका दिया है और इसका मुंह के साइड कट लगा दिया है। तो गाइस ये बहुत ही आसान है, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं जो एमओ कैसे बनाएं। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, आप कागज़ को रोल कीजिए और इसको इस तरीके से कट लगाइए। और इधर मैंने ऊपर कार्डबोर्ड का पेपर चिपका दिया है ताकि ये एमओ देखने में अच्छा लगे। तो गाइस हमने 6 एमओ बना लिया है, 6 तो नहीं है 5 एमओ है, सॉरी गाइस। तो चलिए इधर एमओ फिट करके देखते हैं और गाइस ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस ध्यान से देखना है किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस आई होप आप, तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना। और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।